जिहड़ा इंसान इंपल्सिव फैसला करता है ना अल्टीमेटली फिर उस ऑब्सेशन दे विच फस जांदा। एक सोच जिहड़ी साडे दिमाग दे विच पैदा हुई ऑल ऑफ ए सडन वो इन्नी स्ट्रोंग हो गई कि सानू लगता है कि जे ये फैसला मैं इंपल्सिव एक्ट के उपर नहीं काम कर सकिया इट इज बैटर टू डाई दैन टू लीव इट, उन्हें छड नहीं सकेगा। एंड उस तो बाद उदा सेकंड मिजरेबल पार्ट यह बनेगा कि अल्टीमेटली इट विल बी पार्ट ऑफ आर ऑबसैशन, फिर बंदा उस चीज के विच ही फस के रह जाएगा क्योंकि जे इंपल्सिव फैसले ने तुहानू कोई री इनफोर्समेंट देती। री इनफोर्समेंट होंदा कि किसी ना किसी चीज का मजा आ गया, इंपल्सिव काम किया तुहानू उहदा मजा आ गया, तुहानू कोई भी काम होए तुसीं इंपल्सिवली करो उहदा तुहानू एक मजा आता है, उहदी ग्रैटिफिकेशन आती है, वह ग्रैटिफिकेशन जिहड़ी है तुहानू याद हो जाती है, फिर तुहानू बार बार दिल करता है उस थॉट नू कंटिन्यू करन वास्ते। जदों वह थॉट बार बार तुहाडी मर्जी तो बगैर तुहाडे दिमाग दे विच आई जाएगा ते तुसीं उहनू रोक नहीं पाओगे, तुहाडे वास्ते बड़ी मिजरेबल कंडीशन हो जाएगी। एंड इस सोच तो तुसीं सोचना भी नहीं चाहोगे पर सोच तुहाडी मर्जी तो बगैर तुहाडे दिमाग दे विच वर्लपूल की तरह घूमी जाएगी। एंड तुसीं इस सोच तो छुटकारा नहीं पा सकोगे। ये दा सैकेंड पार्ट है, इंपल्स इज डेंजरस बट उस वेले कोई समझ नहीं आती। ये जी इंपल्स आती है 184,000 माइल्स पर सैकेंड की रफ्तार नाल आती है, वी डोंट ईवन नो के पी इंपल्स आई है, साडे पेशेंट्स विच इंपल्सिव आती है, उस तो बाद ऑब्सैशन बन जाती है, दिन रात उही ख्याल 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 से ख्याल आई जाता। एंड ये इन्ना एग्जॉस्ट कर देता बंदा कहिंदा मैं इस तो पिछा किवें छुड़ावां। एंड दैन द थर्ड पार्ट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट विच इज कंपल्सिव, उन्हों वो काम करना पिया जिहड़ा उन्हें सोचा सीगा कि मैं नहीं करना, क्योंकि इंपल्स तो फिर की बन गया इंपल्सिव तो कंपल्सिव। जिहड़ी चीज सिर्फ मैं सोचा सीगा कि बस एक बारी मैं करांगा विदाउट एनी थॉट वो अल्टीमेटली कंपल्सिव बन गई, हुण मैनू करनी पै रही है भावें मैं इहदे च खत्म हो जा। इन्हां सारियां चीजां च ना तुसीं देखोगे कि जिहड़ा ब्रेन है ना वह डू और डाई दे प्रिंसीपल ते चलता, कर जो मर जो खत्म, देखी वेखी जाएगी। अगला कहिंदा ऐ हो जाएगा, वह कहिंदा देखी वेखी जाएगी। इंपल्सिव कंपल्सिव ये जे सोचा होंदियां ना ये साढ़े पूअर मैंटल हैल्थ की निशानी है, जिहदे विच साडा एनिमल ब्रेन काम कर रहा है ते साडा मास्टर माइंड उहनू रोक नहीं पा रहा इनस्पाइट ऑफ द फैक्ट के साडे नुकसान हो रहे। लास्ट स्टेजिज होणगियां, इह तुहानू दस्सिया जिन्ने भी एंटी सोशल काम हुंदे आ जां क्राइम हुंदा इह सारा इसे चीज दे विच हुंदा, इंपल्सिव ऑब्सेसिव ते कंपल्सिव। इंपल्सिव एक्ट आंदा ग्रेटिफिकेशन आंदी है वो ऑब्सेशन बन जाती है एंड अल्टीमेटली उदों तक सह नहीं लैंदी जदों तक बंदा उसते एक्ट कर ना लवे। एंड जदों करदा है उस तो बाद अगली गेम शुरू होंदी है अफसोस रिग्रैट की, उदों तक फिर ये माइंड आ जाता है ये तू की कर बैठा, बट बाय दैट टाइम असी वो कर लिया जिहड़ा असी करना नहीं सी चाहिदा। सानू असी पहला प्लैन किया सी भी ये काम नहीं करना, साडा पहली प्लैनिंग ये सी कि असी ये काम नहीं करांगे, पर असी सिर्फ प्लैनिंग की सी तैयारी नहीं सी कीती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन के मेरी सोच, मैं हर एक इंसान की नीयत चंगी होंदी है, हर एक इंसान की नीयत चंगी होंदी है पर उहदा तरीका गलत होंदा। तरीका गलत क्यों होंदा है? क्योंकि उहने उस तरीके नूं पहला उहदी ट्रेनिंग नहीं कीती होंदी। हुण तुहानूं इहदे नाल थोड़ा जिहा सर्कल कंप्लीट होया कि हर एक बंदा जिहड़ा घिनौना तो घिनौना क्राइम भी कर रहा ना उहदी नीयत चंगी होंदी है बट उहदा तरीका गलत होंदा है। एंड तरीका गलत क्यों होंदा है? क्योंकि उन्हें इस तो अल्टरनेटिव तरीके की तैयारी नहीं की होंगी।